बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एट व्यूअर्स, आपका मेज़बान जावेद कनाना इस बहुत खूबसूरत इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल तुर्की में मौजूद है। मेज़बान को खुदा हाफ़िज़ कहा और आपको ये दिलचस्प बात बता दें, आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी, कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान कि मैंने वहाँ मेज़बान में मीडिया स्पेशलाइजेशन में फोटो शूट सीखा। हमारे यहाँ तो बस गुजारा है ना, बस चलते कैमरा रन किया, चलते कैमरा चलाया और उसके बाद कैमरे को चलाया और उसके बाद माफ़ी चाहता हूँ इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रेट व्यूअर्स, सुबह बख़ैर, आपका ये मेज़बान यूट्यूब जावेद कमियाना इस वक्त दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से वन ऑफ इट, इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल तुर्की में मौजूद है। लिस्बन में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, कल मैं लिस्बन से पहुँचा हूँ, इस्तांबुल पहुँचा हूँ और इस वक्त आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं प्रोग्राम बागमाल को। और आपको ये अर्ज़ कर दूँ, आई एम प्राउड पाकिस्तानी, मैंने वहाँ लिस्बन यूनिवर्सिटी ऑफ सीशाल से मीडिया स्पेशलाइजेशन में स्पेशली एक फ़ोटो शूट, वो तो कमाल है, बहुत लर्न किया, बहुत सीखा। प्रोफेसर रवेरो थे मेरे टीचर, मैंने पुर्तगीज़ की लैंग्वेज की, फिर सोचा कश्तियाँ जला दो और वापस चलो क्योंकि लहू गर्म रखने का एक बहाना। आपको आज मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि मेरी वो वहाँ जो फ़ोटोशूट की स्पेशलाइजेशन थी उसमें मैंने वहाँ मेरी एक तस्वीर वो लगी हुई है, यूनिवर्सिटी में डिस्प्लेड है, यूनिवर्सिटी में डिस्प्लेड है और उस पर लिखा हुआ है मेरा निक नेम कमाना से कामी पाक। अल्हम्दुलिल्लाह चले रौनक रही, घुमा फिरा, यूरोप देखा, इंसानों को देखा, माशरे को देखा, सोसाइटी को परखा, कंपेयर किया, मुआजना किया। बहुत हम्बल लोग हैं, कूल लोग हैं, कोई वेल एस्टैब्लिश नहीं है, 1100 साल हिस्ट्री है, लेकिन कहीं उनके किसी एक बड़े ने, थिंक टैंक ने ऐसा काम कर लिया कि उनका जो पासपोर्ट है वो नंबर 4 पे है, उसकी जो रेटिंग है, उसकी जो वैल्यू है द होल वर्ल्ड नंबर 4 पे है। अब किसी बड़े ने जिसने एहसान किया अपनी कौम के ऊपर, नेशन के ऊपर, तो उसने उस पासपोर्ट को समझ लीजिए कि गिफ्ट करना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। आओ टैक्स पे करो, 2 साल के बाद पहला कार्ड, 3 साल के बाद दूसरा कार्ड, फिर 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा और फिर दुनिया में जाइए। मैं ये आज ये गुजारिश करूँगा कि रवैयों, हमारा जो एटीट्यूड है, मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो स्कूल था, जो एक साबका थी, ड्रीम लैंड था, जब हमने उस पर कदम रखा, हमारे टीचर क्या थे, हमारे उस्ताद क्या थे, प्रोफेसर क्या थे, खूबसूरत इमारत, द ब्यूटिफुल, वो 80 के एरा की, मैं 76 में भी ज्वाइन किया, 27, 22, 23, 24, 25 साल से 98 से मीडिया करता हूँ। एटीट्यूड डेवलपमेंट का एक कोर्स करवाया गया, इमेज का कोर्स करवाया गया, बताया गया कि कैसे बोलना है। हमारे रवैयों में इतनी हार्श हैं, खाम खा गुस्सा, कावर्ड हैं हम, बोलने में सख्ती, आदाब में सख्ती, हमें जो सिखाया गया वो टेंडर और स्विफ्टनेस थी। इसलिए मैं आपको, मैं जहाज़ में आ रहा था टर्किश एयरलाइन, तो मैंने सिर्फ अभी टेक ऑफ हो चुका था, जहाज़ बिल्कुल लेवल पे आ चुका था, मैं पीछे वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो वो तो रू था, स्टूअर्ड था, यंग बॉय, उसने मुझे सिंपल शाउट करके कहा सिट डाउन। तो मैंने उससे बड़े प्यार से कहा कि बेटा, हैव यू एवर सेड सिट डाउन टू योर फादर, आपको चाहिए ऐसी प्लीज़। वो बात हो गई, देन जब सर्विस शुरू हो गई तो ब्रेड जो थी वो बिल्कुल हार्ड थी और ड्राई थी, तो ब्रेड के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक ड्रिंक और दे दो, तो उसने जो अल्फाज के मुझे ढाई दुख के साथ कहना पड़ता है, शर्म आ रही है कि उसने मुझे कहा कि अभी तो हम सर्विस कर रहे हैं और हमने पहली ड्रिंक देनी शुरू की और आपने दूसरी मांग ली। आई वॉज सो एम्बैरस्ड, डाउट ही था क्या हो गया रवैयों को। मैं यहाँ इस्तांबुल में उतरा,
इस्तांबुल में आके मैं होटल में बहुत थक गया हुआ था, बुरा हाल था, एयरपोर्ट होटल सबसे महंगा थी, कैन यू इमेजिन 340 यूरो या 350 यूरो उन्होंने कहा है। मैंने कहा इट्स ओके, मेरी बुरी हालत है, मेरी बुरी हालत है और मैं लूँगा कमरा, क्या किया जाए। तो कैन यू बिलीव, उसने कहा रूम भी नहीं है। और मैंने कहा चलिए मेरी मैनेजर से बात करा दें। उसने कहा बॉय दिस वॉज वेरी इमेजिंग। और फिर उसके बाद मैं बैठ गया, मैंने कहा ओके आई विल मीट द मैनेजर दिन ही कम्स। तो मैं बाहर ही बैठा, अच्छा बहुत बहुत लॉबी थी, बैठ गया। उसके बाद मैनेजर आ गया, मैनेजर जो है उसने आके मास्क की रूम दिया। तो क्या हो गया हमें, और हमने प्यार छोड़ दिया है, मोहब्बत छोड़ दी है। ये देखिए कितने खूबसूरत एयरपोर्ट है। मैंने मीडिया में जब एंकरिंग शुरू की, कैमरे पकड़ने सीखे, बैठना सीखा, बड़ा मुश्किल थी। तो मुझे सबसे अच्छी बात मुझे वीर हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्होंने कहा कैमरा साहब हमारे यहाँ तो मेहमान है और हम उसका उसके कपड़े फाड़ते हैं। हमारी है जो होस्ट हैं बच्चियाँ वो गले पड़ जाती हैं। रिपोर्टर कैमरा रिपोर्टर जो है वो लोग भाई जो है मुँह के आगे मारता है, करता है, बताएं आपने ये क्या किया। भाई यू आर नॉट ए पुलिस, आप थाने में गए, आप गुंडागर्दी करते हैं, आप बड़े हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बड़े काम कूल, मैंने कभी नहीं देखा अपने हबीब साहब को कि वो ऊँची बात करते, मुस्करा के बात करते, कॉलम लिखेंगे मोहब्बत से लिखेंगे, वो स्टैप नहीं करेंगे, हम छुरी मारते हैं और फिर बड़ों बड़ों की तस्दीक करते हैं। जब अपने ऊपर उस्ताद पड़ती है तो हम अदालत को कहते हैं सानू बचाओ, आप लोगों की बेटियों बेटियों की तस्दीक करते हैं, बहनों की, यानी कैंसर पेशेंट जो है उनको भी आप माफ़ नहीं करते, कब्रों को माफ़ नहीं करते। आप हर वक्त कहते हैं वो फलां चोर है, डाकू है, डाकू अपने गिरेबान में कोई नहीं छांटता, कहीं साइकिल भी नहीं थी और अल्लाह ने BMW दे दी, अल्लाह ने मर्सिडीज दे दी, गाड़ियाँ दे दी, नए नए ड्रेस पहनते हैं, नई नई शर्टें पहनते हैं, अपना कभी नहीं देखा, लेकिन अब दूसरे गिरेबानों में छांटते हैं और सारा दिन कीड़े निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप झुकी हुई बिनों को खल लगता है, सरदार ओलंपिया के हम फॉलोअर हैं, आप गुफ्तगु में शीरीनी रखें, मिठास रखें और मोहब्बत करें। पाकिस्तान के 70 सालों में आप देख लीजिए, ये मैं जिस एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, आप शुरू कर दीजिए कमाल अतातुर्क से, इनके लीडरान आए, इनकलाब आए, इनके यहाँ बड़े एम्बिशन आए, इनके अवाम ने अभी हाल ही में अरदोगान साहब का क्या साथ दिया, आने नहीं दिया, मार्शलानिया ने दिया, फौजगोरिया ने दिया, उन्होंने कहा आप अपना काम करें और फौज को सबक सिखा, ऐसा ऐसी नौबत क्यों आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ना किसी फौजी ने बनाया, ना किसी जज ने बनाया, हाँ वो एक बहुत बड़े इंसान वकील ने बनाया, लेकिन अब वो वकला कहाँ से ढूंढे। अब बच्चे मारते हैं, जजों को मारते हैं, अदालतों में अपने आने वाले मेहमान जो है बेचारे साहिल को मारते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे बच्चों को, बड़े जो बहुत सीजन और प्रोफेशनल ग्रे हेयर एडवोकेट्स थे, लायर थे, हमारा उनके साथ बड़ा जाराना रहा, दोस्ती रही, अदब एहतराम रहा। कभी उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा नहीं किया, कभी उन्होंने फटा नहीं किया, कभी उन्होंने बदतमीजी नहीं की, लेकिन अभी डॉक्टर साहबान भी थे, राजा मुमदास साहब हमारे मौसम थे, हमारे दोस्त थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, वो गुजरते थे, इज्जत थी उनकी। अब यंग डॉक्टर थे वो MS का सर फाड़ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, इंडस्ट्री कमर्शियल हो चुकी है, वो मुमदास साहबान आगे जाके डील कर लेते हैं और साहब भूल जाते हैं एक डेट, जज साहबान तारीख पे तारीख। तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, मैं दुनिया में गया, आप भी जाते हैं, एयरलाइनें देख लीजिए कहाँ चलेगी और हमारी एयरलाइन को पोल्यू कर देंगे, कहाँ गए अर्शद भाई साहब। चार दिन याशी की स्टेज तोड़ के मुँह पे मार दिया दुनिया, स्टेज बड़ी हिम्मत थी, उनको भगाया, दो चार दिन के लिए सांस चढ़ाया, उसके बाद फिर कोई कॉल कॉल व्हाट्सएप पे कोई कॉल आई, मजबूर हो गया, दो साल तीन साल तबाही मचा के चल गए। और चोर उचक्के फ्रॉडली सर्टिफाइड बोनाफाइड चोरों को प्रमोट करके चले गए, और जो लोग मेहनती थे जिन्होंने इस एयरलाइन को, हमारे स्टूडेंट थे, हमारे बड़े मोहब्बत, हम उनसे मोहब्बत करते थे, हमें सीनियर से सिखाया, हमने उनको सिखाया, जो हमने सीखा हमने आगे डिलीवर कर दिया, पास ऑन कर दिया, लेकिन नालायक जाली डिग्रियों वाले प्रमोट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पास जाली डिग्रियों के पूरे केस पड़ेंगे। मेरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, सबमिट रिक्वेस्ट कि इनको निकालिए, इनको जेले कीजिए, इनसे ग्राफ्टी कीजिए, फ्रॉडिए बैठे हुए हैं। अब यानी अंदाज़ा करें 20-20 साल से जाली वकील डिग्रियों वाले अदालतों में पेश होकर सजाएं दिलवा रहे, जाली डिग्रियों वाले छाए हुए, और असल जो है वो
जो हलाल के हैं, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने मेहनत मशक्कत करके डिग्री हासिल की, तालीम हासिल की, वो बेचारे बैठे हुए स्कूल में। रिस्पेक्ट मैंने अगले दिन शेर अक्सर कहता हूँ कि आप पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने भेजता हूँ अंधों के शहर में। इंशाल्लाह मैं अभी बहुत जल्द मैं यूरोप के बड़े खूबसूरत कंट्री पुर्तगाल से आया हूँ, पेरिस गया, मैं दुनिया में गया। मैं फेयर करता हूँ हमारे यहाँ रवैयों की बहुत कमी है, हमारे सख्त रवैये हैं। मुझे वहाँ बहुत बेशुमार लोग मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। और मैं मुझे पता है उतरते ही एक माफिया चिपक जाता है, इस तरह चौकी चिपकती है। कितने जाना है, जो जहाज़ आता है उसकी करेंसी मांगते हैं, वो डील करते हैं। बस एपीएम साहब से गुजारिश की, उन्होंने कहा जी आगे कुछ नहीं कह सकते, कुछ तलकदारियाँ ऐसी हैं जहाँ हया रखनी पड़ती है। मैंने स्टेशन मैनेजर लाहौर असर लहरी साहब से जब भी बात की, मैंने को वकार से कहा यस सर वो सादात है। मैंने जब मैं तो मैसेज हैंडिंग सर्विसेज जनाब जुल्फ़िकार मेहदी साहब से जब बात की, मैंने कहा यस सर छोटे हैं लेकिन सैयदजादे हैं, काम करते हैं। और एक्शन हुआ, फौरन एक्शन हुआ। लेकिन जितनी बुराइयाँ हैं, जितने जो भी है, अगर किसी ने इमिग्रेशन में कोई बात कर दी, मैं हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है कि इमिग्रेशन के बारे में बहुत कम शिकायत, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बिल्कुल ज़ीरो। हाँ बाहर कमकोर साल में लुटने की, जेब कुत्रों की, कार पार्किंग में लुटने की बहुत ज़्यादा शिकायत आई। लिहाजा मैं आई जी साहब से खुद कहूँगा, मैं सी सी को लाहौर वो हमारे भाई हैं ब्राज़ी इमरान साहब को कहूँगा कि एयरपोर्ट पर मेहरबानी करके उसकी सर्विस तेज़ की जाए, और वहाँ जो भी चौकी इंचार्ज है उनको बताया जाए कि मेहरबानी करके ये पत्ती ये पत्ते बंद करो, फिर अंदर ये जो माफिया है वो उनको रुकता है, उनका मकूल हम लोग रुके। और बाकी पोर्टल माफिया की बहुत शिकायत है, मैं साहब से गुजारिश करूँगा। मैं तो गुजारिश करता हूँ, मैं मीडिया नहीं, मैं एक हिस्सा हूँ एविएशन, एविएशन की जितनी एविएशन है पाकिस्तान की एविएशन का और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, मैं लाइफ कॉम्पोनेंट हूँ। लिहाजा हमने बेहतर करना है, हमने फीडबैक आगे पहुँचाना है। सलमान खाजा साहब रफीक साहब से बात करूँ, हेल्थ के मामले में खाजा सलमान रफीक साहब से बात हो, सब मिनिस्टरों से बात करूँ, सदर मलिक साहब से बात हो, दाना सरदार साहब से बात करूँ, नहीं जनाब ये तो पूरी चलेगी, काम करो। मैं कप्तान के बारे दोनों को मुझे कोई परवाह नहीं, आप लगा रहे कुछ नहीं कहते सारे मीशत की कमाई के साथ साथ जो इंटेग्रिटी थी वो तबाह कर दी, और वैल्यूज़ तबाह कर दी, तमीज़ बना दी इंसान, माँ बहन की गालियाँ देने वाले पर ज़्यादा कह दिए। और हमने क्या दान साहब थोड़े बिजन बदले चुनिए कमाल कर दिया, और इनको भी कहूँगा मियाँ मोहम्मद आशिफ साहब आपसे गुजारिश है, आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े स्विफ्ट हैं, बड़े स्माइलिंग फेस हैं, जितने आशिफ साहब सख्त रवैये के लिए लेकिन काम के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमजा का रवैया सख्त है लेकिन ये बाप के तक काम करते हैं, मजम बाप पे गई है, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने चुप के रखा काम मिला के रख दिया और वो इज्जत से बात कर दी और ठोक के रखा और खुद कमाल कर दिया। उनकी वालदा मुकमा हमारी बहन बेगम कुलसूम साहबा ने कमाल खातून थी, एक डिक्टेटर के आगे टक्कर ले ली, डिक्टेटर के आगे टक्कर ले ली और फिर डिक्टेटर चला गया, सब चले जाएंगे, रहेगा ना अल्लाह का, पाकिस्तान सलामत रहेगा और हमारे एयरपोर्ट इससे भी खूबसूरत बनेंगे। हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत अब किया 70 साल में हिदायत नहीं है, पहले नहीं आई तो अब क्या नहीं है, वो माल बनाने की बजाय मुल्क संवारे हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क संवरेगा और आपका ये मेज़बान खूब जावेद कराना, आपके साथ साथ तमाम दुनिया की सैर रहेगा। कुरान कहते हैं सीरू से अर्ज तमाम ज़मीनों की सैर करो, मेरा काम जो है बेहतरी है, इम्प्रूवमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, मैं ब्लैक बेलिंग नहीं है कि 2 रुपये तो फड़ लें ताकि रोटी खा ली, नो, मेरे मैंने दोस्ती कमाई है, अर्न किया है, मैं BIA में डायरेक्टर ना बन सका, मैं पे में डायरेक्टर ना बन सका डजन है, लेकिन मेरे मालिक के कायनात पर करम है कि मैंने इज्जत और वकार कमाया, लेकिन मैं फिर मालिक के कायनात पर करम देखे डायरेक्टर सब हम बशीर हमारे दोस्त हैं, मैं स्टेशन मैनेजर कबादत था, वो आज जनरल मैनेजर है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, व्हाट ए हम्बल पर्सन, गुरकल्याण साहब व्हाट ए हम्बल पर्सन,
ये वो पौधे हैं, लेकिन अशरफ मलिक ने सारा रफ काट के रख दिया, सूखी तमाम हरा भरा दफ फल काट दिया, सब घर चले गए बेचारे, यहाँ से चले गए, रुल गए, एयरलाइन बैठ गई, इसी काम के लिए आए थे क्या? गोल्डन शेक है एयरफोर्स में दिया जाता है, फौज में दिया जाता है, ऋषि में दिया जाता है? नहीं, जुल्म कर दिया और हाई अफसोस है, हाई अफसोस है कि उनको कोई दूसरे मत नैब होनी चाहिए, नैब से असरदारों के लिए है, नैब माड़े बंदों के लिए है, नैब 2 लाख रुपये 20 लाख रुपये वाले बंदों के लिए है, उनके लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने एयरलाइन तबाह कर दी, लोग तबाह कर दिया और आए, खाया पिया, चल दिए, लिहाजा अच्छी गुफ्तु करते हैं, बैंक होगा सलमान सदीक साहब, सलमान रफीक साहब, मैं और सलमान रफीक, आज असाद रफीक, तमाम जो हुकूमती खुदरा हैं, तमाम टॉप के उनसे बात होगी, जो मुल्क बनाए, अगर मौका मिल गया है कप्तान को आपने भगा दिया, जो भी किया आए मिल के सब पाकिस्तान बनते हैं। बहुत सारा ख्याल रखे अपने मेजबानी को जवेद कल्याण को, इस्तांबुल इंटरनेशनल को तुर्की से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। Feed.
Hello. Say hi, Mama. Hello. Hello. Hello, assalamu alaikum. Hello. What's name? Her name? Yeah. Harid. Yes. Oh. Hi, Harid. The cute baby. Ma'am. No, thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Oh! Falous. Oh, falous. Okay, thank you. Ma'am, which country from you? Iraq. Oh, beautiful people, beautiful country, very sad, very sad. The, ladies and gentlemen, a very pretty family from ruined Iraq, very bad, we miss Iraq. Ma'am, I was in Thailand, yeah. I was in Malaysia, a group of Iraqi people came to meet me. Oh, they were doctors, still they were very happy. What about, what do you think, was it, though America did wrong, but what about Saddam? You like him? I don't like to talk about politics, I don't know. No, as a country. Yeah, I don't know. No, I didn't like him so much. Okay, what about now? Now it's worse. Now it's better? No, it's much worse. Worse to a Yeah, sure. Is that a YouTube channel? Your good name? Huh? Your good name? My name is Aya. Aya? Yeah. Aya from Iraq. You work? You are a working lady? You do job? Not right now. I'm just maybe staying my baby, okay. Yeah. God bless Iraq. Thank you. Very sad. Anyway, well luck to us. I am from Pakistan. Nice to meet you. All the best. Wish you very pleasant and rebuild Iraq, okay? You too. Love, baby. Thank you so much. Thank you. ये हमारे साथ थैंक यू देखिए जी हमारे साथ इराक से एक खातून है इराक बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया रुइन हो गया लेकिन स्टिल शी इज स्माइलिंग वो खुश हैं बच्चे के साथ अपने के साथ खुश हैं क्या हाल हुआ होगा एंड इफ द बॉम्ब नॉट बॉम्ब इफ वन शॉट इज शॉट व्हाट हैपेंस एंड द टोटल डिस्ट्रक्शन बॉम्बिंग हाउस डिस्ट्रॉयड टोटल कंट्री डिस्ट्रॉयड एंड स्टिल अ ब्यूटिफुल आया इज स्माइलिंग All the best and thank you very much. Stay blessed. Pakistan, Iraq, Zindabad. Oh, thank you. Thank you.